नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि भारत सरकार ने घोषणा की थी कि प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पर टैक्सेबल होगा। तो ये प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट के टैक्सेशन के संदर्भ में भारत सरकार ने कुछ रूल्स बनाए, यानी सीबीडीटी ने कुछ रूल्स बनाए। तो आज की इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष यही पॉइंट रखने जा रहा हूं कि प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट के टैक्सेशन के नए रूल क्या हैं और आपके केस में ये किस प्रकार एप्लीकेबल हैं, सो दैट यू कैन हैव अ क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड देम। तो आगे आपको इसी डिस्कशन पे लिए चलता हूं। तो सर, सबसे पहले आपके सामने संक्षिप्त में बजट 2021 में जो प्रावधान आए थे, यानी भारत सरकार ने जो घोषणा करी थी कि इन हर बजट 21-22 स्पीच द फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारामन हैड प्रपोज टैक्सिंग द इनकम ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन ओवर 2.5 लाख आई है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बोला कि 2.5 लाख से ऊपर का अगर आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन है तो जो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर का है उस पर जो इनकम आनी चाहिए वो इनकम का टैक्सेशन आपका होगा। हालांकि बाद में इस लिमिट को सिविल सर्वेंट्स के केसेस में, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहां इस अमाउंट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक भी किया गया, या किसी और एम्प्लॉय के केस में भी जहां पर एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं है वहां 5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन के ऊपर के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेशन की बात इन नए रूल्स में कवर की गई। तो सर, जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा और स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखता हूं कि इनकम का अमाउंट टैक्सेबल है, यानी जो प्रोविडेंट फंड आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2.5 लाख से ऊपर वो टैक्सेबल नहीं, क्योंकि पीएफ जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो हमारी इनकम में से ही तो जा रहा है, टैक्सेबल इनकम में से ही तो जा रहा है। वो जो पीएफ आपने 2.5 लाख रुपए या 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर का कंट्रीब्यूशन किया है वो इंटरेस्ट कमा के देगा आपको। ये इंटरेस्ट अब तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 तक एग्जम्प्ट होता था कितना भी अमाउंट का हो, लेकिन 21-22 से इस पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्सेशन शुरू हो गया। तो जो टैक्सेशन होगा वो कौन से अमाउंट का होगा सर, कि आपने एक साल में 2.5 लाख से ऊपर का पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन किया है वो जो 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन आपको जो ब्याज कमा के देगा वो ब्याज की राशि आपके लिए टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तो जैसा मैंने दोस्तों शुरू में कहा था कि इस संदर्भ में भारत सरकार यानी सीबीडीटी द्वारा रूल्स बनाए गए, तो वो रूल कब आए, दैट देयर वाज एन इंसर्शन ऑफ रूल 90 व्हाइल नोटिफिकेशन नंबर 95/2021 डेटेड 31st of August 2021, यानी 31 अगस्त 2021 को ही सीबीडीटी द्वारा इस संदर्भ में रूल ले आए गए थे कि आपको हमारे को ये क्लैरिटी बने कि ये जो पीएफ का इंटरेस्ट है इसका टैक्सेशन कैसे किया जाएगा। मैं आगे उसी डिस्कशन पर आपको लिए चलता हूं। तो दोस्तों, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है यानी टैक्सेबल इंटरेस्ट का अमाउंट है, इसे डिटरमाइन कैसे करना है, तो सीबीडीटी ने अपने रूल 9D में जो बात की है वो ये बोला है कि अब से पीएफ अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया जाएगा दो पोर्शन में, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पीएफ अकाउंट विल टेक प्लेस इन टू पोर्शन, वन नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, यानी ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन जिससे होने वाली आय आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, प्रीवियस मॉडल एग्जम्प्ट 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 जारी रहेगा, और ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसका फर्दर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा उसका दूसरा पोर्शन कर दिया टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अमाउंट। यानी अगर किसी व्यक्ति का पीएफ अकाउंट है उस पीएफ अकाउंट के दो बाइफरकेशन हो गए, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट एंड टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। इसे सरल शब्दों में बोलूं तो ये कह सकता हूं कि आपके 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन में जो पैसे जुड़ रहे हैं या पिछले जो पैसे आपके खाते में पड़े हैं वो तो सब नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में आएंगे, और आगे से जो आपके कंट्रीब्यूशन होंगे 2.5 लाख से ऊपर वाले वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में जोड़े जाएंगे। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आया कि ओके, थोड़ा और क्लैरिटी से समझ लेते हैं कि व्हाट इज नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट, क्योंकि इस नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट से आने वाले पैसे का तो टैक्सेशन होना ही नहीं है। तो नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट शेल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, ये रूल 9D से बात आ रही, वन क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट एज ऑन 31st of March 2021, यानी 31 मार्च 2021 को आपके खाते में जो बैलेंस पड़ा था वो बैलेंस आपके लिए नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में था, चाहे आपने 31 मार्च 2021 तक जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो 2.5 लाख से ऊपर ही क्यों ना किया हो, वो सारे अमाउंट को गवर्नमेंट ने नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट का हिस्सा माना है। दूसरा, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन द अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22
एंड एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, यानी 2.5 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रीब्यूशन 31 मार्च 2021 के कॉन्ट्रीब्यूशन में और जुड़ जाएगा, और इन अमाउंट्स पर जो जो आपका इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहेगा उस इंटरेस्ट पर भी नेचुरली फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट भी सर आपके लिए नॉन टैक्सेबल रहेगा। हाँ, अगर आपने इस अमाउंट में से कोई विड्रॉल कर रखे हैं तो वो विड्रॉल आपके माइनस होते जाएंगे। दिस इज हाउ योर टोटल नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट बैलेंस विल बी कंप्यूटेड। अब दोस्तों आया कि ठीक है, टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालेंगे। टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर इन द अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर विच इज इन एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। यानी मान लीजिए मैंने पहले साल में वित्त वर्ष 2021-22 में अपने पीएफ में 4.5 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया और मेरे लिए परमिटेड लिमिट थी 2.5 लाख रुपए की। अब वॉलंटरी लिमिट की वजह से मैंने 4.5 लाख रुपए का बेनिफिट लिया कि मैंने 4.5 लाख पीएफ अकाउंट में डाला, तो दोस्तों 2.5 लाख तो मेरा चला जाएगा नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में, और उससे ऊपर का जो 2 लाख का अमाउंट है वो किसमें चला जाएगा, टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट में। और इसी राशि पर जो भविष्य में भी ब्याज इकट्ठा होता रहेगा वो भी किसका हिस्सा माना जाएगा, दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट सब्जेक्ट टू एज रिड्यूस बाय द विड्रॉल इफ एनी फ्रॉम सच अकाउंट। तो सरल शब्दों में बोलूं तो आपके प्रोविडेंट फंड के 2 हिस्से हो गए सर, एक नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, एक टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट। नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में जो भी पैसा आपका प्रीवियस पड़ा है, नया जुड़ रहा है, उसका ब्याज है, कहीं टैक्सेशन नहीं है। जो टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में उसमें जो ब्याज भविष्य में आपके बनता जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए और ऑनवर्ड्स, वो ब्याज आपको अपनी आईटीआर में ड्यूली ऑफर करना पड़ेगा। ये क्लियर मैसेज इस रूल से निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों मैं अपनी बात को यहां पर उदाहरण से आपके समक्ष रखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा किस प्रकार से इसको प्रैक्टिकली डील किया जाएगा। मान लीजिए एक्स एक एम्प्लॉई है और उनके पीएफ बैलेंस 31 मार्च 2021 को था 50 लाख रुपीस, ठीक है। चाहे उन्होंने पहले 2.5 लाख के कॉन्ट्रीब्यूशन किए, कम किए, ज्यादा किए, ये पूरा हमारी ओपिनियन में नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में जाएगा। इस साल में यानी वित्त वर्ष 21-22 में उन्होंने 2,40,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। इस जो ओपनिंग बैलेंस था सर 50 लाख का, ठीक है, उसके ऊपर इन्हें 50 लाख पर से 8.5% की रेट से 4.25 लाख रुपए का ब्याज मिला, और इस साल जो कंट्रीब्यूशन हुआ 2,40,000 रुपए का उस पर मैं मान लेता हूं सर 11,050 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू बनेगा। ये मैंने एक अलग से कैलकुलेशन करके सीधे यहां फिगर डाल दिया। तो क्वेश्चन आया सर कि इस साल का टैक्सेबल इंटरेस्ट अमाउंट क्या हुआ, नील। क्यों? क्योंकि पिछले बैलेंस का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा नहीं, और 2.5 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रीब्यूशन इस साल में होगा तो उसका ब्याज भी टैक्सेबल नहीं है, तो टैक्सेबल इंटरेस्ट क्या हो गया, नील। एग्जाम्ड इंटरेस्ट क्या हो गया सर, वो इस ए और बी का टोटल हो गया 4,25,000 प्लस 11,050। अब आप मेरे से बोलेंगे कि ठीक है बाटिया जी, फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एग्जाम कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट फाइनली कितना होगा। वो होगा सर 1, 2 और 3, ये 3 फिगर्स का टोटल हमारा 56,76,050 रुपए निकल के आ गया। और अगर मुझसे ये भी पूछा जाए कि ठीक है व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, नेचुरली क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फाइनल अमाउंट हियर वुड बी नेट। तो ये चीज चली सर जब 2.5 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो। अब दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल और रखता हूं, ठीक है। मान लीजिए पीएफ बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021 किसी व्यक्ति एक्स का था 50 लाख रुपए, उनका करंट ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000 रुपए प्रति मंथ की रेट पर 3 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी 2.5 लाख से कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड कर गया। अब जो इनिशियल 50 लाख है सर, इसके ऊपर तो 8.5% का ब्याज आएगा, नेचुरली ये एग्जम्प्ट में जाएगा। ऐसे ही 8.5% का ब्याज इनका निकल करके आया इस साल के 3 लाख के कॉन्ट्रीब्यूशन पर, मैं मान लेता हूं वो टोटल अमाउंट मेरी कैलकुलेशन से 13,813 रुपए निकल के आती। अब देखिएगा जरा ध्यान से, टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर का इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ उस पे जो ब्याज बना इस साल का वो बना सर 531 रुपए, और वो इस 13,813 का सर हिस्सा है, ठीक है। एग्जाम इंटरेस्ट कितना हो गया सर, नंबर वन ऑन द 50 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ये इनका जो इंटरेस्ट आएगा वो तो क्या होगा, एग्जम्प्ट हो गया, यानी 4,38,282 मेरी कैलकुलेशन से।
और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एग्जम कंट्रीब्यूशन अकाउंट कितना होगा सर? अब वो होगा नंबर वन 50 लाख, नंबर टू इस 3 लाख रुपए में से 2.5 लाख, नंबर थ्री 13,813 में से आप 531 रुपए घटा दीजिए जो कि टैक्सेबल है। बैलेंस इंटरेस्ट इनके लिए क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट कंट्रीब्यूशन अकाउंट का बैलेंस। तो अगला प्रश्न आया कि व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। तो देखिए सर, 50,000 यानी 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन ये, प्लस 531 रुपए का ब्याज, यानी इनका टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट का बैलेंस कितना होगा सर? 50,531। सो एट द एंड ऑफ द ईयर दिस पर्सन इज सपोज टू ऑफर दिस 531 रुपीज इन हिज ITR। दिस इज हाउ दिस सिस्टम विल बी गोइंग फर्दर। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि अगले साल भाटिया जी इस 50,531 पर जो ब्याज आएगा वो भी टैक्सेबल होगा, मेरा आंसर होगा यस सर, दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल फर्दर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपके सामने रखता हूं कि जो आपका PF का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, क्या उस पर TDS भी एप्लीकेबल होगा क्या? तो इस संदर्भ में सर, इनकम टैक्स का सेक्शन 194A है, उसके अनुसार अगर मैं अपनी बात को रखना चाहूं तो अगर आपका एक वित्त वर्ष में ब्याज 5,000 से ऊपर जाता है, किसका? टैक्सेबल PF बैलेंस का, तो फिर वो ब्याज पर आपका TDS कट के आएगा। आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उस पर्टिकुलर ब्याज को ऑफर करना है। अगर आपका टैक्स ज्यादा डिडक्टेड है तो आप रिफंड ले लेंगे, और कम डिडक्टेड है तो आपको अपनी पॉकेट से बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। फाइनली आई होप माई डियर फ्रेंड्स दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो वुड हैव बीन हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट हाउ द PF इंटरेस्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन अबव ₹2.5 लाख कैन बी अप्लाइड, हाउ दैट इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल, वॉट आर द TDS कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आपके कोई और क्वेरीज हो इस विषय पर तो आप मुझे लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उन पर भी आपको एक यथोचित समाधान देने का प्रयास कर सकूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।